आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंड व्हेन एन ब्यूटाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसेंट्रेटेड H2SO4। ऑप्शन वन है C4H10, ऑप्शन टू है C3H6, ऑप्शन थ्री है C4H8 एंड ऑप्शन फोर है एक एस्टर CH3COOC2H5। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल का अगर हम स्ट्रक्चर देख लेंगे तो इट इज CH3CH2CH2CH2OH। ओके, ये है एन ब्यूटाइल अल्कोहल एंड इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अब इसको हीट कर रहे हैं हम कंसेंट्रेटेड H2SO4 में। कंसेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि ये एलिमिनेशन में मदद करेगा और यहाँ से एक वाटर एलिमिनेशन होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वाटर एलिमिनेशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे जो CH2 था, मतलब जो CH2 है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एंड दिस OH दोनों मिलके वाटर एलिमिनेशन होगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट इज CH3CH2CH CH2। राइट, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इट इज व्हाट? इट इज वन ब्यूटीन। राइट, इट इज वन ब्यूटीन। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब हम इसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4, सो इट इज C4। एंड हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2, 5, 6, 7, 8, सो इट इज H8। तो हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिल रहा है वन ब्यूटीन, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C4H8। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन थ्री इज द राइट वन, C4H8। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है, आफ्टर डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर एलिमिनेशन के बाद, कोई भी कार्बन नंबर मतलब चेंज नहीं होता या फिर लेस नहीं होता। यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल का देखेंगे, कार्बन का जो नंबर है वो देखेंगे, इट इज 1, 2, 3 एंड 4। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल में भी चार कार्बन था एंड जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में भी चार कार्बन है। नंबरिंग थोड़ा गलत यहाँ पे लिखा है हमने। जो नंबरिंग जो स्टार्ट होगा दैट इज फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो नंबरिंग जो स्टार्ट होगा दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट में भी चार कार्बन है और जो स्टार्टिंग मटेरियल था वहां पे भी चार कार्बन है। तो प्राइमरी अल्कोहल का आफ्टर डिहाइड्रेशन कोई भी कार्बन का जो नंबर है वो लेस नहीं हो जाता है, वो इक्वल रहता है और एक एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थ्री। ऑप्शन वन पे है C4H10। अब C4H10 क्या है? ये ब्यूटेन है। ओके, यहाँ पे हमें एल्कीन मिल रहा है, ना कि कोई एल्केन मिल रहा है। तो ब्यूटेन है, ये है स्ट्रक्चर ब्यूटेन का एंड इट इज C4H10। तो हमें ब्यूटेन नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है वन ब्यूटीन। ऑप्शन टू है C3H6। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कार्बन है 3। अब प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो कार्बन के नंबर सेम रहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एंड ऑप्शन फोर पे है एक एस्टर। अब अल्कोहल हमें यहाँ पे दिया गया है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल के अल्कोहल को अगर हम एस्टर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें क्या डालना पड़ेगा? हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कोई भी अल्कोहल को अगर हम एस्टर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें क्या डालना पड़ेगा? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें डालना पड़ेगा और साथ में कंसेंट्रेटेड H2SO4 हमें डालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज ओनली कंसेंट्रेटेड H2SO4, नो एसिड इज देयर, नो कार्बोक्सिलिक एसिड इज देयर। सो ऑप्शन फोर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।